फोन तोड़ दिया गया था। जी जी, फोन लाठी चार्ज जब किया गया था उस समय मेरे पॉकेट में फोन था, उसी समय तोड़ दिया गया सर। जब देख सकते हैं कि इनको भी किस तरह से चोटें आई है और कैसे 10 लाख रोजगार तो नहीं लेकिन 10,000 जख्म जरूर दे दिए कल। और इसका जिम्मेवार बिहार सरकार स्वयं है और 3 साल से बीरबल के खिचड़ी पका रही है, पकी नहीं रही है सातवें चरण को लेकर के। 5 सितंबर के दिन अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, वो भी डंगला जो बंगला चौराहे पर जहाँ पर किए थे, और इस संख्या से ज्यादा संख्या में करेंगे। साथी ऐसे रहे जो भगवान के प्यारे हो चुके हैं, उन सभी के बदुआ लगेगी और इनका जिम्मेवार सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कल डाक बंगला चौराहा पर जो सीटेड अभ्यर्थियों के साथ के सिंह जो ADM है उन्होंने जो किया वो तो आपने देखा ही कि किस तरह से कहा गया है कि जांच प्रक्रिया हो गया, और जांच प्रक्रिया कब तक क्या होगी ये तो वही लोग जाने। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीटेड अभ्यर्थी जो कि अभी रावड़ी आवास में पहुँच चुकी हूँ, और तेजस्वी जी के से मिलने के लिए यहाँ पर ये लोग भीड़ लगाए हुए हैं। और इनको लग रहा है कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी शायद हमारी बात सुनेंगे और उसके लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ार काफ़ी लंबा समय से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वो सुने नहीं। अब आप लोग निकल रहे हैं, क्या हुआ? बिल्कुल, सबसे पहले तो लाइव बिहार को देखने वाले तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं दिखा दूँ, देखिए इस पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए हम लोग आ चुके हैं, और कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि 5 साथी आए और बात करें, तो हम लोगों ने तो यहाँ आ गए हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, देखिए दीपक कुमार सिंह जी का है जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव है, ये एक ट्वीट किए थे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अगले चरण की नियुक्ति की तैयारी हेतु पत्र जारी कर दिया गया है, प्रयास है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाएगा। यानी बोल रहे थे अनुरोध है इसके लिए चल रहे धरना को समाप्त किया जाए, तो हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। ये देखिए, रवि प्रकाश जी के द्वारा से एक लेटर जारी हुआ था, ये लेटर रवि प्रकाश सर के द्वारा जारी हुआ था। इस लेटर में दिया गया था कि जुलाई के लास्ट में हम विज्ञप्ति सातवें चरण का प्राथमिक 1-8 का जारी करेंगे, लेकिन नहीं, वो तो नहीं मिली। हम लोग सड़क पर बैठे थे तो महागठबंधन जो दल है वो विपक्ष में थे, और उनका आश्वासन मिलता था उनके आलोक मेहता जी से लेकर के श्याम रजक सिंह से लेकर के तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो हमारे धरनास्थल पर जाते थे, और उनका बयान यही होता था कि हमारी सत्ता होगी तो हम लोग पहली कलम से सातवें चरण की विज्ञप्ति देंगे। चलिए, हम लोग तो ठहरे रोड पर और आप पलटनिया नीतीश जी मारे और आप उनके साथ सरकार बना लिए। आप यानी सत्ता में आए और हम रोड पर रह गए, तो आने के बाद आपको काम दिखना चाहिए कि हाँ सातवें चरण के जो हम बोले थे प्राथमिक विज्ञप्ति 1-8 के लिए उससे निखार लाने की हो सकता है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाना है, बिहार को शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देना है, तो इसको जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार बिहार सरकार स्वयं है, और 3 साल से बीरबल के खिचड़ी पका रही है, पकी नहीं रही है सातवें चरण को लेकर के। मैं कहना चाहूँगा कि क्या सामाजिक नज़रिया में बेरोजगार होना बड़ी चीज़ है? नहीं, लेकिन पढ़े लिखे बेरोजगार होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तबका दबका समाज के नज़र में गिर जाना ये बहुत गलत चीज़ है। हम यही मानेंगे, जो इतना है तो आप बोल दीजिए कि बिहार के हित में हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, आप अपने से अपने संसाधन खोजने के काम कीजिए, भुंजा का दुकान कीजिए या जो कुछ भी कीजिए, मेरे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। आपने जो चुनावी वादा किया था 10 लाख रोजगार पहली कलम से देने के लिए, तो 10 लाख रोजगार तो नहीं लेकिन 10,000 जख्म जरूर दे दिए कल। और जो ADM साहब जो हमारे साथी के ऊपर जो झंडा लिए थे बर्बरतापूर्वक, पुलिसिया दामन हम उसको कहेंगे कि दमन किया गया, लाठी मार करके पीठ को फाड़ दिया गया, हाथ को मतलब फ्रैक्चर कर दिया गया, शरीर को हर जगह से ब्लडिंग कर दिया गया, और सबसे तो बड़ी चीज़ तब ये रही कि मानसिक तौर पर हमारे साथी दिव्यांग होते जा रहे हैं, संतुलन खो रहे हैं। लगभग 3 साल में 22 हमारे साथी ऐसे रहे जो भगवान के प्यारे हो चुके हैं, उन सभी के बदुआ लगेगी और इनका जिम्मेवार सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग न सिर्फ अपनी नौकरी मांगते हैं बल्कि बिहार के गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो नौनिहाल हैं, जिनका भविष्य उज्जवल होना है, उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना रोजगार पाने के लिए। आपके जो साथी हैं उनकी स्थिति क्या है, किस तरह से उनका इलाज वगैरह चल रहा है? अभी वो ICU से मतलब भर्ती थे, ठीक है, निकल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार कायरतापूर्वक हम इसको दोष देंगे कि ADM साहब को क्या जरूरत थी लाठी चार्ज करने के, ऊपर से तिरंगा का जो हमारा अभिमान है, मान है, शान है, जान है, अभिमान है, जिसके बल पर हम बोलते हैं कि भारत हमारा महान है, उसको आप अपमानित किए, इसको लेकर के
तत्कालित जांच करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वीडियो फुटेज देखने के बाद में उनको सस्पेंड करना चाहिए था, वहाँ से उन पर कार्रवाई करना था। और छात्रों के साथ ये आपने ये कर दिया कि हम कार्रवाई बैठाते हैं कि हमारी आंदोलन जो है वो दब जाए। नहीं, आंदोलन दबले वाले नहीं है। हम मानते तब जब हम उतना लाठी फिर भी खाने के लिए तैयार है। हमारी जो हक खिलाड़ी है सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति वो दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो 5 सितंबर जो शिक्षक के लिए सबसे बड़े दिन होने वाला होता है वो 5 सितंबर का दिन अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, वो भी डंगला जो डकबंगला चौराहे पर जहाँ पर किए थे, और इस संख्या से ज़्यादा संख्या में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तेजस्वी आवास यहाँ पर मिलने के लिए ये सीटेट अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं कि शायद हमारे मांग जो है उप मुख्यमंत्री अस्वीकार कर लें, कि जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कल सीटेट अभ्यर्थियों के बारे में बोले थे, उसके कारण से इन लोगों की उम्मीद जागी है और बहुत देर से यहाँ पे ये रुके हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव से उधर से कोई भी बात नहीं आई है कि हाँ मिलने की बात जो है वो अंदर से कोई भी बात नहीं आई है कि तेजस्वी यादव इन लोगों से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए अब धीरे धीरे रात हो रही है और इन लोगों ये लोग इंतज़ार करना भी अब छोड़ दिए हैं और धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव, यही तेजस्वी यादव हैं जब इनकी सरकार नहीं थी उस समय ये आश्वासन दिए थे ये सीटेट अभ्यर्थी को कि जिस तरह से मेरी सरकार अगर बनती है तो मेरी सरकार बनते ही मैं आप लोगों का सातवां चरण का जो मांग है वो पूरा कर दूंगा। लेकिन अब जैसे ही सत्ता में आ गए हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद फिर कैसे मुकर रहे हैं और इनकी जो मांग है अभी तक उनको नहीं पूरा कर रहे हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जिनको इनको भी पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, जिसके और फोन को भी देखिए किस तरह से फोन तोड़ दिया गया था। जी फोन लाठीचार्ज जब किया गया था उससे मैं मेरे पॉकेट में फ़ोन था उसी तो मैं तोड़ दिया गया सर। मेरा घर से कोई भी बात नहीं हो पा रहा क्योंकि सिम इसी में लगा हुआ, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है तो घर में कैसे बात करेंगे। घर में जो परिजन होंगे वो व्याकुल होंगे, लेकिन लाठीचार्ज में ये तोड़ दिया गया। गहरी चोट लगी है देख सकते हैं मैडम। जब देख सकते हैं कि इनको भी किस तरह से चोटें आई है और कैसे कल पुलिसिया जो प्रशासन जो है वो किस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्वक इन्हें पीटा। चलिए मैं आपको बता दूं कि इन ये जो बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि बेरोज़गार रहना उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे होकर बेरोज़गार रहना ये बहुत बड़ी बात है। और 5 तारीख को ये जो ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार अगर मांग नहीं सुनेगी, जांच प्रक्रिया नहीं बढ़ाएगी, तो 5 तारीख यानी कि शिक्षक दिवस के दिन अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और उसी डाक बंगले चौराहे पर। यानी कि एक तरह से यह प्रशासन को फिर से यह चुनौती देने वाली सवाल हो गई है। अब चलिए देखना यह होगा कि क्या ये जो बीच में जो इतने दिन जो गैपिंग हो रहे हैं, क्या सरकार इन लोगों की मांगें पूरी करती है या फिर 5 तारीख को फिर यह वहां पर आंदोलन करेंगे। चलिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।